हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल। अमूल में आप सबका स्वागत है। मैं मिनोविक, ऑनर ऑफ कुकिंग एयरपोर्ट, आपके लिए अब एक डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं, एक डेजर्ट बना रहे हैं, पुडिंग। क्रिसमस आ रहा है तो हमने सोचा कि चलो आज एक क्रिसमस में एक मीठा बन जाए। तो हम बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक एक आपके लिए डेजर्ट लेके आए हैं। मैंने एक पहले से बनाया भी हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। इसे हम अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ बनाया हमने इसे, चॉकलेट पुडिंग। थोड़ा सा अगर ये टाइट हो जाए तो इसको फिंगर से आप कर सकते हैं और उसके बाद भी इसे डाल सकते हैं। वाओ, इसी पुडिंग को हम अभी बनाएंगे, आपके सामने इसको हम लाइव बनाएंगे, बताएंगे। ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है पुडिंग। इसे हम बनाएंगे अमूल के मिल्क के साथ। हाफ के जी मिल्क लेंगे हम। इसको हम बॉईल करेंगे सबसे पहले। गैस खोलेंगे, आगे रख रहे हैं। हाफ के जी मिल्क लेंगे, साथ के साथ हम शुगर को कैरमलाइज भी करेंगे। दो चम्मच हम चीनी ले लेंगे, दो से तीन चम्मच ले लेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। चीनी को हमने सिंपल रख दिया सबसे छोटी गैस पर, ये कैरमलाइज हो जाएगी। इधर हमने दूध रख दिया बॉईल होने के लिए, दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और साथ के साथ हम इन्हें बनाएंगे। आप हम ये हार्ट शेप की कटोरी में बना रहे हैं और एक नॉर्मल, आप चाहे तो सिंपल स्टील की कटोरी, पीतल की, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसे स्टीम करना है। इसमें हम थोड़ा सा अमूल का घी लेंगे, थोड़ा सा घी निकालेंगे और इसे ग्रीस कर देंगे, कटोरियों को हाथ से कर देंगे, हल्का सा ग्रीस कर देंगे। बस बहुत ज़्यादा ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इजीली बाहर आ जाता है। हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो हमारा डेजर्ट पुडिंग बाहर आ जाएगा। बस दूध को हम अच्छा सा उबाला आने देंगे। इधर चीनी को हम कैरामलाइज होने के लिए सिम पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी ले सकते हैं और पानी को भी ले सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, इधर हमने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, इधर हमने तीन चम्मच चीनी शुगर कैरमलाइज होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। साथ के साथ हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। दो चम्मच हम इसके बीच में कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। एक स्लाइस हमने ब्रेड का लिया है, फ्रेश ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, इसे हमने मिक्सी में पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, फ्रेश ब्रेड के हैं। दो चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे
हम अभी डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इसे बहुत ही क्रीमी और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा ये। हमने अमूल मिल्क पाउडर इसके बीच में डाल दिया और अमूल का दूध है, साथ के साथ हम चीनी का भी ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा जल ना जाए। और इधर हमने एक कढ़ाई में पानी रखा है स्टीम होने के लिए, इसके बीच में एक स्टैंड लगा दिया, इसे भी हम गर्म होने के लिए साथ के साथ रख देंगे। शुगर हमारी कैरमलाइज हो गई है, आपको मैं दिखा देती हूँ। इस शुगर को हमने जिस कटोरी में हमने इसे बनाना है स्टीम देना है उसी कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा सा जो हमारा बच गया है इसे हम दूध में डाल देंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। आपको मैं दिखा देती हूँ हम ये पुडिंग बना रहे हैं। ये छोटा सा पुडिंग है, अगर आप इसे क्रिसमस पर बनाएंगे बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। गैस हमने गैस बंद कर दी थी क्योंकि हम इधर साथ के साथ कॉर्नफ्लोर घोल रहे थे। आपको मैं बता देती हूँ, हमने 1/2 kg दूध लिया, उसके बीच में हमने थोड़ी सी कैरमलाइज शुगर डाली है। अब हम इसके बीच में डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे, अगर आप वनीला एसेंस यूज़ करते हैं तो आप वो भी। हमने इसके बीच में छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है और ये कॉर्नफ्लोर हमारा इधर हमने साथ के साथ कॉर्नफ्लोर भी घोल दिया है। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहें तो इसे दूध में डालें चाहे पानी में डाल दें। तो ये थोड़ा सा तेज मीठे वाला अच्छा लगता है। हमने इसके बीच में थोड़ी सी कैरमलाइज शुगर डाली है, अब हम इसके बीच में डालेंगे 1 चम्मच चीनी। 1-2 चम्मच चीनी डाल देंगे हम। एक चम्मच और डाल रहे हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर घोला है इसके बीच में हम डालेंगे कोको पाउडर। दो चम्मच हम कोको पाउडर डाल देंगे इसके बीच में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा गर्म दूध डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम इसके बीच में डाल देंगे। और इसको ब्राउन कलर देने के लिए हम डालेंगे इसके बीच में डार्क चॉकलेट।
इसके बीच में डालेंगे हम अमूल की डार्क चॉकलेट। थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेंगे। हल्का सा हम इसके बीच में डालकर इसको तोड़ लेंगे जिससे जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। इधर हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है, गैस को सिम पे कर देंगे क्योंकि अभी हमारा इसमें पुडिंग में टाइम है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले हमने 1/2 kg दूध लिया है, उसके बीच में 2 चम्मच हमने अमूल मिल्क पाउडर डाला है, फिर हमने थोड़ी सी छोटी इलायची डाली है इसके बीच में, 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है। इन सबको हमने बॉईल कर लिया, मिक्स हो गया अच्छे से, और थोड़ी सी हमने इसके बीच में चॉकलेट डाली है। अब हम इसके बीच में डालेंगे ब्रेड क्रम्स, 3 से 4 चम्मच अब इसके बीच में ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। और इसे हाई फ्लेम पर अब अच्छे से पका लेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम 2 चम्मच इसके बीच में ब्रेड क्रम्स और डाल देंगे। 1/2 kg में आपके 2 स्लाइस आराम से, 2 स्लाइसेस आपके आराम से डल जाएंगे। अब हम इसे बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छे से। दो चम्मच हम इसके बीच में और डाल रहे हैं। बिल्कुल गाढ़ा कर देंगे हम, जब ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा, इतना गाढ़ा करना है हमें। हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं, अभी हम इसे स्टीम भी करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप क्रिसमस पर इसे जरूर बनाएं। हमने इसमें 3 चम्मच चीनी इसलिए डाली है क्योंकि इसके बीच में, ये आपको दिखा दूं मैं, ये कैरमलाइज शुगर है, ये भी मेल्ट हो जाएगी, ये और मीठा हो जाएगा। इसे बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे हम। इसे हिलाते रहेंगे नहीं तो इसकी गांठें बन जाएंगी।
बस ये हो चुका है। अब हम इसे कैसे स्टीम करेंगे वो भी आपको बता देंगे। इसे हम उतार लेते हैं नीचे गैस पे और कढ़ाई रख देंगे इधर स्टीम होने के लिए। अब आप इसे जिस कटोरी में भी स्टीम करेंगे, आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं और इस तरह से कोई भी सिल्वर भी ले सकते हैं। इसे हम इसमें भर देंगे, गरम गरम ही डाल देंगे इसके बीच में, नहीं तो ये इसके बीच में जम जाएगा। अगर आप एक बड़ा केक बनाना चाहते हैं इसका बड़ा सा और कट करना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा केक टिन में भी बना सकते हैं। अब आप एक फॉइल शीट लेंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे, कवर कर देंगे और एक कढ़ाई में, अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं, नहीं तो एक कढ़ाई लेंगे उसके बीच में एक स्टैंड लगाएंगे, नीचे पानी डाल देंगे और इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। आप इस रेसिपी को हमारे पेज कुकिंग एयरपोर्ट पर भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने ये रेसिपी डाली हुई है। और आपको बहुत सारी और भी यूनिक रेसिपीज आपको मिलेंगी। इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, उसके बाद हम इसको 10 से 12 मिनट स्टीम करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे इसे कम से कम 2 घंटे के लिए। आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने फ्रिज में भी रखा हुआ है पहले से स्टीम करके, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसको पहले आप 10 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे, 10 मिनट के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद आप इसे 3 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे आप इसे। अब ये हमारा बन रहा है, तब तक मैं आपको इधर सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमने ये कैसे बना रखा है। आप ये देख सकते हैं कि एक हमने पहले से बनाया हुआ है और ये स्टीम होने के बाद हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये आप जब खोलेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा और ये बिल्कुल चिपका हुआ होगा, तो आप डरे नहीं कि ये चिपका हुआ है, ये आराम से खुल जाता है। आप एक प्लेट लें, इसको फिंगर से हल्का सा प्रेस कर दें बस, और आप इसको पूरा भी फिंगर से निकालेंगे तब भी ये निकल जाएगा, ये देखेंगे पूरा। अब हम इसे सर्व करेंगे। एक प्लेट लेंगे हम, इसके ऊपर एक और प्लेट रख देंगे। थोड़ा सा कोको पाउडर हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। थोड़ी छोटे साइज की ले लेंगे हम प्लेट। इसके बीच में हम अपना ये पुडिंग निकाल लेंगे। वाओ, आपको ये पुडिंग कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ये हमारा इधर स्टीम हो चुका है, ये हमारा स्टीम हो चुका है इधर पुडिंग। अगर कम से कम आप इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करें और उसके बाद 4 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। और ये हमने इसको सर्व करके भी दिखा दिया है, बस लीजिए, बनकर तैयार है हमारा चॉकलेट पुडिंग।